सेहत की चिंता करने के लिए और शहर को एक अच्छा मैसेज देने के लिए, हमारे मासिस को अच्छा मैसेज देने के लिए हम आभारी हैं जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन और जो भी हमारे गेस्ट रहे हैं। इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा रूप ना देते हुए शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, राजस्थान पत्रिका अपना 67वां जो है स्थापना दिवस मना रहा है, इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। बहुत सारी विधाओं में ये कार्यक्रम होना था लेकिन हमारा जो यूथ है और यूथ जिला प्रशासन है, एक तरह से यंग जिला प्रशासन, उनको उनके मार्गदर्शन में हमने ये सोचा कि साइकिलिंग एक बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्यावरा के लिए और हम लोगों के लिए भी, और जिन लोगों को हमें मैसेज देना है उन सभी के लिए साइकिलिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज का जो विशेष आयोजन है पत्रिका ग्रुप के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में है और हमारे बीच जो है मुख्य अतिथि के रूप में पैरा साइकिलिस्ट तानिया डागा मौजूद है। हम यहाँ इसको ज्यादा लंबा स्वरूप न देते हुए दो दो मिनट का स्पीच और एक मोटिवेशनल स्पीच हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में जो है अपनी साइकिलिंग को लेकर वो बताएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा तान्या से, वो अपने अनुभव शेयर करें और हम लोगों को मोटिवेट करें ताकि हम लोग आपसे प्रेरणा ले सकें। तान्या जी, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं पत्रिका ग्रुप को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, उनका जो आज वर्षगांठ भी है 67 और उसके उसमें उन्होंने जो साइकिलिंग का रैली निकाला है उसके लिए मतलब साइकिल मेरे तो बहुत ही करीब है चीज। मेरे एक्सीडेंट के बाद साइकिल एक ऐसी चीज है जिसने मुझे जिंदा रखा है। जब पूरी दुनिया ने बोला था कि अभी कुछ नहीं हो सकता है तो एक साइकिल के ही थ्रू मैं अपने आप की पहचान बना पाई हूँ। साइकिल का जो जर्नी है मेरा 2019 से शुरू हुआ था एक्सीडेंट के कुछ 6 महीने बाद ही। तो स्टार्टिंग में तो कोविड आ गया था तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी और मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी तो वीकनेस काफी थी। फिर उसके 3 महीने बाद ही कश्मीर सेना कुमारी का अनाउंसमेंट हुआ था कि कश्मीर सेना कुमारी करने का। जब कोविड उस टाइम पे इंडिया में इतना ज्यादा था उस टाइम पे कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करना पॉसिबल नहीं था नॉर्मली, बट पूरे बीएसएफ की टीम आई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उनका भी मेन मोटिव था कि हमें पैरा फोर्स को इंडिया में प्रमोट करना है और पैरा फोर्स के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो उनका कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि एक आम इंसान कभी नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना था तो उसके लिए जो राइड किया था कश्मीर से कन्याकुमारी। एंड उसके भी बाद मैंने ऐसा नहीं है कि अकेले एक ही राइड करा अपनी लाइफ में, लोग बोलते कि तुमने अकेले ऐसे ही करा है। मैंने उसके बाद चेन्नई से पांडिचेरी भी राइड किया साइकिलिंग का और बहुत सारे 100 किलोमीटर राइड करे और एक ही पैर पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ करते हैं। तो एक अलग ही जुनून और एक खुशी मिलती है जब आप फंस जाते हो साइकिल चला के, जो 70-80 किलोमीटर के बाद आप जब चलाते हो तो ऐसा लगता है कि यार अभी बस करो, बट उसके बाद ही बोलते ना जब तक तुम आखिरी उस पर नहीं पहुंचोगे तो तुमको पता नहीं पड़ेगा। तो साइकिल को मैं बहुत लाइक प्रणाम ही करूंगी मेरे लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू तान्या, निश्चित ही आपकी प्रेरणा से हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी और ब्यावरा शहर जो जिले का सबसे बड़ा शहर भी है, सर यहाँ बता दें काफी क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए ब्यावरा जाना जाता है। ब्यावरा की विशेष पहचान रही है कि यहाँ जितने भी रचनात्मक संगठन है वो समय समय पर प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ब्यावरा को एक नई दिशा देते हैं, नई एक्टिविटीज में हमेशा भागीदार रहते हैं। तो साइकिलिंग भी एक इसी का हिस्सा है। हम सभी का ये गौरव है कि तान्या जैसी बेटी इस शहर में जन्मी है और उन्होंने देश में हमारा नाम रोशन किया। तो जोरदार तालियों से हम चाहेंगे कि उनका उत्साहवर्धन आप करें।